असलम स्टूडेंट्स आई एम योर टीचर साइमा और आज आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे यूनिट नंबर सेवन आई हैव अ ड्रीम ओके सो लेट्स स्टार्ट इट इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके ऑथर के बारे में जानते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर स्टूडेंट्स ये नाम बहुत फेमस है क्योंकि ये शख्स जिसको जो है वो नोबेल प्राइज़ भी मिला ये पैदा हुआ था 1929 में और इसकी डेथ हुई 1968 में ये कौन था ये एक ब्लैक अफ्रो अमेरिकन था जो कि अफ्रीका के लोग होते हैं बेसिकली वो अफ्रीकन्स के लुक्स के होते हैं लेकिन वो नेटिव्स होते हैं अमेरिका के वो पैदा हुआ एटलान्टा जॉर्जिया में जो कि यूएस का एक स्टेट है Angry at the segregation around him और उसको जो है वो बहुत दुख होता था जब वो ये सब कुछ अपने इर्द गिर्द देखता था कि लोग जो है वो उनको सैग्रीट करते थे ब्लैक को और ब्लैक्स के साथ जो है वो इंतहाई नामुनसफ़ाना और रवैया सब ने इख्तियार हुआ था जिसकी वजह से मार्टिन लूथर किंग को बहुत दुख होता था हेल्प्ड विन इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन इंक्लूडिंग द राइट्स टू वोट और उसकी वजह से ही आज अगर अमेरिका में ब्लैक पीपल को नेग्रोज़ को कोई राइट्स मिले हैं राइट टू तो वोट और उनको जो है वो शहरीत मिल गई है या उनको एक्सेप्ट किया गया है तो इसमें मार्टिन लूथर किंग का बहुत बड़ा हाथ है इन नाइनटीन सिक्सटी फोर अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज़ इसको 1964 में जो है वो पीस प्राइज़ मिला था 1968 में उसके साथ क्या हुआ स्टूडेंट्स ये 29 में जब पैदा हुआ है तो ऑफ कोर्स इसकी एज का अंदाज़ा करें कि 68 में किंग वाज शॉट एंड किल्ड इन मेम्फिस टेनेसी। टेनेसी में उसको मार दिया गया क्योंकि उसने अपने राइट्स की बात की थी तो स्टूडेंट्स अमेरिका के लोग ब्लैक लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते थे और यही वजह थी जब इसने इतनी फाइट की अपने लोगों के लिए तो चंद लोग जो है वो उससे इतना चिढ़ गए कि उन्होंने उसकी जान ले ली ये जो हम आज लेसन पढ़ने जा रहे हैं ये उसका एड्रेस है और इस एड्रेस में आपको पता चलेगा इसमें एक्कुंस बहुत ज़्यादा है बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने अलफाज को लोगों तक पहुंचाया है उनके अल्फाज का चुनाव उनकी जो तकरीर है उसमें एक फ्लुएंसी है एक खूबसूरती है एक अलाकुंस है ठीक है यही वजह है कि आज आप लोग आप लोगों के टेक्स्ट के लिए भी उनका यह एड्रेस चूज़ किया गया है सो स्टार्ट रीडिंग इट और आई होप कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा इसको पढ़ना आई एम हैप्पी टू जॉइन विद यू टूडे इन वट विल गो डाउन इन हिस्ट्री ऑफ आर नेशन और स्टार्ट जो है वो उसने कुछ इस तरीके से लिया है कि मैं खुश हूँ कि मैं आज आप लोगों के साथ उस जगह पे खड़ा हूँ मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ जहाँ पे हमारी हिस्ट्री बनने जा रही है हमारे कौम की तारीख़ में इस दिन को यादगार के तौर पर जाना जाएगा दीज आर हिज वर्ड्स क्योंकि वो यही समझ रहा था कि अगर एक दफ़ा इन्होंने जब ये स्टार्ट किया ब्लैक लोगों के राइट्स की बात जब स्टार्ट की और फिर यहाँ पे ये यह सब इकट्ठे हुए हैं और यही वजह है कि वो इसका स्टार्ट कुछ इस तरीके से ले रहा है फाइव स्कोर ईयर्स अगो इन ग्रेट अमेरिका इन हुज सिम्बोलिक शेडो वी स्टैंड टूडे वर स्टैंडिंग देयर ठीक है तो वो कह रहे हैं कि आज हम जहाँ खड़े हैं उस ग्रेट अमेरिकन के सिंबॉलिक सिम्बोलिकेडो ऑफ कोर्स वहाँ पे कोई स्टैचू रखा हुआ था अमेरिकन uh, उसका तो वो उसके नीचे खड़े थे और वो यही कह रहा था कि पाँच साल पहले साइंट द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जिसने जो है वो आज़ादी के uh, कागज़ पर दस्तखत किए थे दिस मोमेंटस डिक्री केम एज़ ग्रेट बैक लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ नेगरोड बी सीड इन द्लेम्स ऑफरिंग इन जस्टिस तो यही बात वो बता रहा है कि इब्राहम लिंकन जो है वो डिमोक्रेसी का कायल था और उस वक्त क्या होता था स्लेव ट्रेड होती थी और वो लोग जो कि स्लेव्स रख रखना चाहते थे वो स्लेव्स हमेशा उनके खेतों में काम करते थे और ज़्यादातर ये ब्लैक ही होते थे अफ्रीकन अमेरिकन होते थे तो इनके जो है वो इनको स्लेव्स बना के रखते थे इनके कोई राइट्स नहीं थे और फिर वाइट्स जो है वो अपने खेतों में इनसे काम लेते थे और ज़्यादा टाइम लिखवाते थे तो फिर अब्राहम लिंकन की वजह से ही ये सब कुछ पॉसिबल हुआ था कि उसकी वजह से जो सिविल वॉर हुई थी अमेरिका में आ, वो फैसला कौन हो गई इब्राहिम लिंकन आ, की जो है टीम थी या उनकी जो फ़ौज थी या उनके साथ देने वाले थे वो लोग जीत गए और फिर इब्राहिम लिंकन को प्रेसिडेंट बनाया गया और फिर उन्होंने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे साइन किया जिसमें स्लेव्स की ही बारे में था तो वो यही फरमान का ही बता रहा है कि ये बहुत बड़ी रोशनी थी जिसकी वजह से उन्होंने अपने रास्ता देखा और उम्मीद थी टू मिलियंस ऑफ नेग्रो स्लेव्स तो वो जो नेग्रो स्लेव्स थे उनके लिए बहुत बड़ी उम्मीद थी हु हैड बीन शेयर्ड इन द फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इन जस्टिस वो जो नाइंसाफ़ी की आग में झुलस रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी उम्मीद थी इट केम एज अ जॉयस डे ब्रेक टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ देयर कैप्टिविटी और ये उनको ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल दिन की रोशनी की मानंद ये उनके लिए आई है क्योंकि वो ग़ुलामाना रात उन्हें उन्हें लग रहा था कि उनकी जो कैप्टिविटी थी जो उनके ग़ुलामाना ज़िंदगी थी उसके लिए वो रोशनी या सूरज का उजाला बन के आई थी बट वन हंड्रेड ईयर्स लेटर लेकिन सौ साल बाद द नीग्रो स्टिल इज़ नाट फ्री लेकिन आज भी नेग्रो जो है वो आज़ाद नहीं है वन हंड्रेड ईयर्स लेटर द लाइफ ऑफ़ द नेग्रो इज स्टिल क्रिपल्ड बाई द मिनकल ऑफ सेग्रीगेशन एंड चेंज ऑफ डिसक्रमिनेशन आज भी एक साल सौ साल गुजरने के बाद भी नेग्रो की ज़िंदगी क्या है बेड़ियों से बंधी हुई है किस चीज़ की बेड़ियाँ हैं सेग्रीगेट किया जाता है अलग रखा जाता है उनको और डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनके साथ तब किया जाता है उनको आज भी उनके साथ वही नारवा सलूक रखा गया है जिसपे इक्वालिटी नहीं है वन हंड्रेड ईयर्स लेटर द नेगरो लिवस ऑन अ लोनली आइलैंड ऑफ पावर्टी इन द मिडस्ट ऑफ अ वास्ट ओशन ऑफ मटीरियल प्रॉस्पेरिटी आज भी नेगरो जो है वो एक ऐसी ज़मीन पे परर्बत की ज़मीन पे रह रहा है जिसके आस पास जो है वो दौलत का समंदर है या मटीरियल रिसोर्स का या अमे, अमेरिकन की जो है वो अकतदियात का जो है वो बड़ा सा समंदर है और उसके आस पास आज भी नेगरो उस ज़मीन पर परर्बत की हालत में बैठा हुआ है वन हंड्रेड ईयर्स लेटर द नेगरोज़ स्टिल लैंग्विश्ड इन दर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी एंड फाइंड हिमसल्फ इन द एग्ज़ाइल इन हिज ओन लैंड आज भी जो है वो अमेरिकन सोसाइटी में जो है वो उसको अलग कर दिया गया है उसको तन तनहा कर दिया गया है अमेरिकन सोसाइटी में और आज भी वो एग्ज़ाइल की जिंदगी मुल्क बदर करने वाली तन तनहा होने वाली अपनी ही ज़मीन से बेदखल होने वाली ज़िंदगी गुजार रहा है एंड सो वी हैव कम हेयर टुडे टू ड्रामेटाइज द शेमफुल कंडीशन और आज हम आए हैं इस कंडीशन को दुनिया को दिखाने के लिए उस दुनिया की अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं in a sense we have come to our nation's capital to cash a check हम यहाँ पे आए हैं अपने कॉम से एक चेक कैश करवाने When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and Declaration of Independence, <coughs> आज भी वो आर्किटेक्ट जिन्होंने हमारी हमारे आइन के वो शानदार अल्फाज लिखे थे जिसमें आज़ादी को डिक्लेयर किया गया था जिसमें बताया गया था कि हम आज़ाद हैं वो कवानी वो आइन देवर सिंगिंग अ प्रोमसरी नोट टू विच एवरी अमेरिकन वॉज टू फॉल हेयर और वो जो वादे कर रहे थे आज़ादी के बुलंद बांग दावे कर रहे थे वो जो है वो पैमा हर अमेरिका के साथ है और हर अमरीकी उसको अपना वारिस समझता है कि वो उसको विरासत वो वादे उसे भी विरासत में मिले हैं दिस नॉट वॉज अ प्रोमिस दैट ऑल मैन यस ब्लैक मैन एज़ वेल एज़ वाइट मैन वुड बी गारंटीड द अन एलाइन राइट्स ऑफ लाइफ क्या ये वादा नहीं था कि ब्लैक एज वेल एज वाइट के अमेरिकन well उन्होंने अमेरिकन कहा था क्या ये नहीं कहा था कि काले और गोरे दोनों अमेरिकन को अनएलाइन राइट्स ऑफ लाइफ के उन सब को जो है वो गारंटी दी जाएगी ज़िंदा रहने के हकूक़ की लिबर्टी की आज़ादी की इन परसूट ऑफ हैप्पीनेस और वो अपनी ख़ुशी जहाँ चाहे ढूँढ सकते हैं क्या ये वादे उन सबसे नहीं हुए थे इट इज़ ऑबियस टू दैट अमेरिका हैज़ डिफ़ॉल्टड ऑन दिस नोट लेकिन आज नज़र आ रहा है कि अमेरिका जो है वो अपने वादे से फिर गया है इन सो फार एज़ हर सिटीजन ऑफ कलर आर कंसर्नड जहाँ तक के उसके वो सिटीजन्स जो के नेगरोज हैं जो के काले हैं उनकी हद तक तो वो इस वादे से मुनहरफ हो चुका है इंस्टेड ऑफ़ ऑनरिंग दिस सक्रेड ऑब्लिगेशन अमेरिका हैज़ गिवन द नेग्रो पीपल अ पैड चेक और इस चीज़ को अपने फ़रस को बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ पूरा करने के बजाय अमेरिका ने क्या किया है नेग्रो लोगों को एक गलत चेक दे दिया है no? चेक जिसको हम कैश करते हैं विच हैज़ कम बैक मार्क्ड इन सफफिशेंट फंड्स जिसपे अब लिखा हुआ है वो जो कि वापस आ चुका है एक ऐसा चेक तो दे दिया गया है कि ये इतनी अमाउंट की लेकिन अब ये वापस आ चुका है और उस पर लिखा हुआ है इनसफ़िशेंट फंड्स यानी कि इतने पैसे नहीं है हमारे पास इसका मतलब ये है कि जो वादे किए गए थे वो अब सिर्फ उनके लिए कहा गया है कि ये आप लोगों के लिए नहीं है या हमारे पास आपको देने के लिए मराहत नहीं है बट वी रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज़ बैंक्राफ्ट लेकिन हम इस बात पे एतबार नहीं करते कि इंसाफ का जो बैंक है उसके पास कुछ नहीं है देने को यानी कि हमें इंसाफ नहीं मिल सकता वी रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट देयर आर इनसफिशिएंट फंड्स इन द ग्रेट वॉल्स ऑफ अपरचुनिटी ऑफ दिस नेशन हम इस बात पे यकीन नहीं करते कि इनके पास इतने फंड्स नहीं हैं इतनी इतनी मराआत नहीं हैं जिनका इतना बड़ा अपरचुनिटीज़ का जिनके पास इतनी ज़्यादा ऑपरचुनिटीज़ हैं